नमस्कार। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें हम कुछ पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि इस हम डायग्राम में देख सकते हैं, तो जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कुछ फैक्टर्स या कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या डेफिनेशन होती है। तो पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं उनके जो नंबर के अंदर टाइम के साथ जो चेंज होता है या परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन के अंदर जो ये चेंज होता है या जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतया चार कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो है नेटेलिटी यानी जन्म दर, मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर, और इमिग्रेशन यानी कुछ इंडिविजुअल्स अगर बाहर से पॉपुलेशन के अंदर एंटर करें तो उसको इमिग्रेशन कहा जाता है। इसको अप्रवासन भी कहा जाता है और एमिग्रेशन या इसको माइग्रेशन भी कहा जाता है जिसको उत्प्रवासन कहते हैं। यानी अगर पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स बाहर चले जाएं तो उसको कहा जाता है एमिग्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम बात करें क्लोज्ड पॉपुलेशन की, यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों नहीं हो रहे हैं, यानी इंडिविजुअल्स ना तो पॉपुलेशन के अंदर एंटर हो रहे हैं ना ही पॉपुलेशन से बाहर जो है इंडिविजुअल्स जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति के अंदर जो क्लोज्ड पॉपुलेशन होती है वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मुख्यतया नेटेलिटी यानी जो जन्म दर होती है और मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। लेकिन अगर ओपन पॉपुलेशन की बात करें हम, जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉपुलेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं बाहर से, और पॉपुलेशन के अंदर से भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाहर चले जा सकते हैं, तो इस प्रकार की पॉपुलेशन जो है ओपन पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जो है वो मुख्यतया चार फैक्टर्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और वो है नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो नेटेलिटी है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो नेटेलिटी जो है जन्म दर, जिससे पॉपुलेशन जो है उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती है क्योंकि नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो पॉपुलेशन के अंदर जन्म लेते हैं, जिससे पॉपुलेशन के जो नंबर है वो चेंज होता है या जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर हम मॉर्टेलिटी की बात करें, यानी पॉपुलेशन के अंदर कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं अगर उनकी डेथ या मृत्यु हो जाती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। और इमिग्रेशन यानी अप्रवासन, इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाहर से एंटर करते हैं जिससे भी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, या इसको हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन छोड़कर बाहर चले जाएं यानी माइग्रेट कर जाएं, उत्प्रवासन हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है यानी कम हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स जिनको कहा जाता है, जो कि पॉपुलेशन की डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो किस प्रकार की होती है। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो मेनली दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन के अंदर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसके बारे में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व दर्शाया गया है जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसको दर्शा रहा है। इसके अंदर दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस पे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उसको दर्शाया है और एक एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी और दूसरी एक्सिस पे टाइम को दर्शाया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कंटिन्यू जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो रिसोर्स हैं या जो संसाधन है वो अनलिमिटेड होते हैं। हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसके पास अनलिमिटेड जो रिसोर्स पाए जाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है या जो वृद्धि होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का लिमिटेशन देखने को नहीं मिलता है, और इस प्रकार की जो पॉपुलेशन होती है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है उसके द्वारा वृद्धि करती है। यानी जो इंडिविजुअल होते हैं पॉपुलेशन के
उनके द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न किए जाते हैं या जो संतति उत्पन्न की जाती है उनका जो मैक्सिमम नंबर होता है उससे वो ग्रोथ करते हैं। तो इस प्रकार की ग्रोथ हमें एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर देखने को मिलती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक इक्वेशन के द्वारा शो किया जाता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इन टू एन। तो यहाँ पर डी एन बाई जो डी टी है वो शो करता है चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम। यानी इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक समय में जीवों की संख्या में होने वाले परिवर्तन की औसत दर, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो जीवों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसकी औसत दर एक समय में, तो इसको वृद्धि दर या ग्रोथ रेट भी कहा जाता है। और ये इक्वल होती है आर इन टू एन के, जहाँ पर आर जो होता है वो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ और एन जो होता है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की साइज क्या है। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्स या अबंडेंट रिसोर्स पाए जाते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर जो कर्व का जो शेप होता है वो होता है जे शेप्ड। तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है वो जे शेप्ड कहलाता है। इसके बाद में हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो कहलाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन की जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस प्रकार का जो ग्रोथ कर्व होता है वो एस शेप्ड का होता है, जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ग्रोथ कर्व की शेप है वो एस शेप्ड का होता है, इस कारण इसको एस शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसके अंदर हमने बात की थी कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती है यानी जो रियल सिचुएशन होती है वहाँ पर इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे जैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नंबर बढ़ते हैं, तो प्रत्येक जो इंडिविजुअल है उसके पास कुछ मात्रा में ही रिसोर्स आ पाते हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल के पास जो रिसोर्स होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं वास्तविक परिस्थितियों के अंदर। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है या पर्यावरण होता है वो एक अधिकतम पॉपुलेशन साइज जो है उसको ही सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद में अगर इंडिविजुअल्स के जो नंबर होते हैं वो बढ़ेंगे तो वो जो एनवायरनमेंट है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के कुछ नंबर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ही सपोर्ट कर पाता है, इसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी। इस कैरिंग कैपेसिटी को के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी जो है इसको वहन क्षमता भी कहा जाता है और इसको लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो अधिकतम पॉपुलेशन साइज को जो सपोर्ट करने की क्षमता है वो कहलाता है, इसको लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो फिक्स नहीं होता है यानी नियत नहीं होता है, वो स्पेस और टाइम यानी समय और स्थान के साथ में परिवर्तित होती रहती है। और जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कुछ फैक्टर्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसके अंदर होता है प्रीडेशन, कंपटीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जो वातावरण की परिस्थितियां हैं वो भी कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको प्रभावित करती है। और कैरिंग कैपेसिटी जो होता है उसको एक इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है उसके अंदर हम एक इक्वेशन के द्वारा इस पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को समझ सकते हैं, और वो है डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, और इसके साथ में ऐड किया जाता है के माइनस एन अपॉन के। तो जैसे कि हमने पहले बात की के जो होता है वो होता है कैरिंग कैपेसिटी, जिसमें कि जो कोई भी एनवायरनमेंट होता है वो किसी मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज को सपोर्ट कर पाता है वो कहलाता है कैरिंग कैपेसिटी। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए इस प्रकार एक इक्वेशन के द्वारा हम इस कर्व को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करता है वो एस शेप्ड का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि
यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो एक पॉइंट के बाद में स्थिर हो जाती है, यानी उसके बाद में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नहीं बढ़ पाती है। इस पॉइंट या इस कंडीशंस को कहा जाता है उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। तो जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, तो इस प्रकार का जो कर्व है वो एस शेप्ड का कर्व कहलाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद में अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक बात करेंगे वो है पॉपुलेशन डिस्पर्जन, यानी पॉपुलेशन का वितरण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल्स का किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। यानी किसी भी स्थान विशेष के अंदर पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं या किस प्रकार से वितरित रहते हैं, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन डिस्पर्जन। तो जो पॉपुलेशन का डिस्पर्जन जो होता है वो मेनली तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट है क्लम्प्ड डिस्पर्जन, सेकंड है इवन डिस्पर्जन, और थर्ड होता है रैंडम डिस्पर्जन। तो क्लम्प्ड डिस्पर्जन जो होता है उसको गुच्छेनुमा वितरण भी कहा जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के वो क्लम्प्ड रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पास पास में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहलाता है क्लम्प्ड डिस्पर्जन या गुच्छेनुमा वितरण। तो ये जो क्लम्प्ड डिस्पर्जन जो है वो तब पाया जाता है जब जो रिसोर्सेज जो होते हैं, यानी जो संसाधन होते हैं जैसे कि फूड यानी भोजन, वाटर और लिविंग स्पेस यानी जो रहने की जो जगह है, वो ये सभी जो रिसोर्सेज जो हैं अगर एक साथ में पाए जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्लम्प्ड डिस्पर्जन देखने को मिलता है। यानी इन रिसोर्स के जो चारों ओर जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, या ये क्लम्प्ड डिस्पर्जन हमें तब भी देखने को मिल सकता है जब कोई भी जो स्पीसीज जो होती है वो इस प्रकार का सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार रखती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्लम्प्ड डिस्पर्जन देखने को मिलता है। तो क्लम्प्ड डिस्पर्जन जो होता है वो मुख्यतः दो जगह पाया जाता है, यानी जहाँ पर जो रिसोर्स होते हैं वो सभी एक जगह अवेलेबल होते हैं, या जो स्पीसीज जो होती है वो सोशल बिहेवियर उसका इस प्रकार से होता है कि वो क्लम्प्ड डिस्पर्जन शो करती है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट जो पॉपुलेशन डिस्पर्जन की बात करें तो वो होता है इवन डिस्पर्जन। इसको यूनिफॉर्म डिस्पर्जन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार के जो वितरण के अंदर जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से समान दूरी या नियत जो दूरी के ऊपर पाए जाते हैं, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं पॉपुलेशन के अंदर वो एक दूसरे से यूनिफॉर्म डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहलाता है इवन डिस्पर्जन। और इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन उस कंडीशन के अंदर पाया जाता है जहाँ पर जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार का जो सोशल इंटरेक्शन होता है, तो उसके जो परिणाम स्वरूप हमें इस प्रकार का इवन डिस्पर्जन जो है देखने को मिलता है, या जो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से जो अधिक से अधिक जो है वो दूरी पर रह सकें, यानी जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहें। तो इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो डिस्पर्जन होता है वो कहलाता है इवन डिस्पर्जन। इसके अलावा इवन डिस्पर्जन उस कंडीशन में पाया जाता है जब जो रिसोर्स होते हैं यानी जो संसाधन जो इंडिविजुअल्स को अवेलेबल होते हैं वो सीमित मात्रा में हो, या जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में कंपटीशन या नेस्टिंग देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर हमें इवन डिस्पर्जन देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम पॉपुलेशन डिस्पर्जन के नेक्स्ट टाइम की टाइप की बात करें तो वो कहलाता है रैंडम डिस्पर्जन। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल्स की जो लोकेशन होती है वो दूसरे इंडिविजुअल्स की जो लोकेशन है उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, यानी जो लोकेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रत्येक इंडिविजुअल्स की। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं प्रत्येक इंडिविजुअल जो होता है उसकी लोकेशन दूसरे इंडिविजुअल की लोकेशन से निर्भर नहीं करती है या इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की जो लोकेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इसके अगर हम रैंडम डिस्पर्जन की एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है सीड डिस्पर्जल बाई द विंड और एनिमल्स।
यानी वायु और जो प्राणी होते हैं उनके द्वारा जो बीजों का प्रकीर्णन होता है वो रैंडम डिस्पर्जन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये थे पॉपुलेशन डिस्पर्जन के बारे में, जिसके अंदर हमने तीन टाइप पढ़े, क्लम डिस्पर्जन, इवन डिस्पर्जन और रैंडम डिस्पर्जन। थैंक यू।